again to our YouTube channel, and this is the second part of the chapter resource and development. So today we are going to discuss about the sustainable development. So first of all, before starting it, in the previous lecture we talked about the resources and their types. Now today we are going to know about the development of the resources. So as we know that resources are the vital component for human survival and maintaining the quality of life. As we know, we also call that the natural resources are the free gifts given by the nature, and with the continuously indiscriminately use of resources arises few problems. यानी कि लगातार हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती चली जा रही हैं, जैसे कि आपका है फर्स्ट इज डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. कुछ लोग लालच, उनके अंदर जो लालच है उसकी वजह से लगातार रिसोर्सेज का हम लोग डिप्लीशन कर रहे हैं. जैसे कि आपका क्वेरिंग का ले लीजिए, माइनिंग का ले लीजिए, है ना, तो जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ उनके लालच की वजह से. तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज भी लाई हैं, जैसे कि पेड़ काटना, हरे पेड़ काटना गैर कानूनी है, लेकिन जो लालची किस्म के लोग होते हैं, जो ग्रीडी पीपल्स होते हैं, वो लेकिन ऐसा नहीं करते हैं. और सेकंड क्या आ जाती है प्रॉब्लम, अकुमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर. एज वी नो दैट इफ द रिसोर्सेज गोज टू द फ्यू हैंड, द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेगमेंट, दैट इज योर रिच एंड पुअर. अगर कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज आएंगे तो सोसाइटी में असमानता आ जाएगी, एक वर्ग हो जाएगा, एक पर्टिकुलर पार्टी जो हो जाएगी वो रिच हो जाएगी एकदम से, एक क्या हो जाएगी आपकी पुअर हो जाएगी. थर्ड इज योर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉल्यूशन, लैंड डिस्क्रिमिनेशन. यानी कि अगर हम लोग इसी तरीके से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करते रहे, देन वी फेसेस अ ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज ग्लोबल वार्मिंग, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉल्यूशन, लैंड डिस्क्रिमिनेशन. सो अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आ रही हैं, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, एंड दैट सोल्यूशन वॉज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ना, उसकी ज़रूरत क्यों है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. टू सस्टेन, और जिसे हम लोग ये भी कह सकते हैं एक तरीके से कि अपनी जो क्वालिटी लाइफ है, व्हाट वी आर लिविंग इन टुडेज स्टैंडर्ड, टू मेंटेन दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ we should have to planning for the resources. अगर हमें अपनी quality of life है, पूरे विश्व में शांति चाहिए, तो resources जो हैं बहुत ज़्यादा essential हो जाएंगे planning करने के लिए. तो उसमें से एक term निकल के आता है, वो planning क्या होती है, कि इस तरीके से कि sustainable development की तरफ बढ़े हम लोग. Then, तो what is sustainable development? That means development should take place without damaging the environment, and development in present should not be compromised with the needs of future generation. That means there should be a development. Development होना चाहिए without damaging our environment, अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए. और दूसरी चीज की है कि development present का होना चाहिए, जो present में development चल रहा है, it should not be compromised with the future. कि future की generations को भी सोचना है, लेकिन present में भी compromise नहीं होनी चाहिए. तो that is means as a sustainable development. Now, Earth Summit has been held in Rio de Janeiro. तो इन जून 1992 मोर देन हंड्रेड्स ऑफ द कंट्रीज मेट इन रियो द जेनेरियो फॉर द फर्स्ट अर्थ समिट फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल. तो देखिए, ये जो अर्थ समिट हुई थी आपकी रियो द जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील में है, इसमें 100 से ज़्यादा देशों ने के जो हेड हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और ये पहली अर्थ समिट थी आपकी.
ये कब हुई थी? जून 1992 में। अब किस लिए हुई थी? क्योंकि उस टाइम पे जो अर्जेंट एक प्रॉब्लम निकल के आ रही थी वो थी हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देयर शुड बी अ नीड फॉर आवर एनवायरमेंट बिकॉज वॉट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर एनवायरमेंट, सो इट्स अ राइट और इट्स अ ड्यूटी ऑफ अस टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। सो दिस मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी और जो फोकस था, फोकस किसके ऊपर था कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी हो हम लोगों का, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट करें, सोशली और इकोनॉमिकली भी डेवलपमेंट हो एट द ग्लोबल लेवल। सो दे अडॉप्टेड द एजेंडा 21। तो उन लोगों ने अडॉप्ट किया एजेंडा 21। एजेंडा 21 है क्या? तो इसको ऐसा समझिए जो आपका यूनाइटेड नेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ Environment and Development जो है ये हमारा UNCED, ठीक है, इस टर्म को याद, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एंड इट्स एम इज टू अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट अबाउट द एनवायरमेंटल डैमेजेस, पॉवर्टी, डिजीजेस एंड शेयरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द नेशंस एट द ग्लोबल लेवल। यानी कि उसका एम क्या था कि पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे, एनवायरमेंटल डैमेजेस को भी ध्यान में रखा जाए, पर्यावरण में कितना नुकसान हो रहा है उसको ये वो भी सीमित किया जाए, लोगों के बीच गरीबी ना रहे, बीमारियां ना फैलें, जो भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं ना, जैसे कि हम मेडिसिन लाइन में हमने कोई एक तरीके से कहते हैं वैक्सीन बनाई, लेकिन उसके भी बहुत सारे डीमेरिट्स भी होते हैं, तो वो ह्यूमन लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। अब हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना ली, लेकिन उसके जो वेस्टेज होता है वो वेस्टेज क्या हो जाता है, ह्यूमंस के लिए हार्मफुल हो जाता है, टॉक्सिक्स हम लोग बनाते हैं, तो उसका जो वेस्ट होता है हम लोग ओशियन में बहा देते हैं, तो उससे ओशियन में बहुत ज़्यादा डैमेज आ जाता है, बहुत सारी मरीन लाइफ, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर पड़ेगा। ऐसे ही हम लोगों का शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होना चाहिए है इसमें। सो एस Already we discussed that about the Agenda 21, and in Agenda 21 it is a basic way to perform for the environment in a sustainable way. तो उसमें तो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ ली थी। अब इंडिया की बात करते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग जो है इंडिया में भी, एज वी नो डैट इंडिया इज ऑल्सो फुल ऑफ वेराइटी ऑफ रीजन्स एंड वी फाउंड अ वेराइटी ऑफ रिसोर्स। सो रिसोर्स प्लानिंग वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, तो इट इज एक्सेप्टेड अ स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि एक ऐसी स्ट्रेटजी को डेवलप करना जहाँ पे बहुत तरीके की रिसोर्सेज को आप तरह तरीके से यूज कर सकें। तो ये इंडिया में ज़रूरी क्यों है? एज वी नो दैट इन इंडिया इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द रिसोर्स प्लानिंग, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल इन आवर कंट्री, इन सम रीजन इट इज़ फाउंड इन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, वाइल इन सम रीजन इट इज़ वेरी लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्सेज इज ऑल्सो need a planning for the development of a nation. So planning is necessary in a country. So resource planning जो है हमारे देश में वो भी बहुत ज़रूरी है. As we know that how we can plan the resources. तो इसमें सबसे पहला क्या हमारा आ जाएगा? Identification and inventory of resources across the country by survey, mapping, qualitative and quantitative estimation. यानी कि हम लोगों को उन जगहों को चिन्हित करें जहाँ पे रिसोर्सेस सबसे ज़्यादा मौजूद हैं, किसके थ्रू? सर्वे के थ्रू, मैपिंग के थ्रू, उसकी क्या क्षमता है वहाँ पे, कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों का एक इस्टीमेशन करना होता है। अब इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, इवॉल्विंग प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडो विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, प्लानिंग स्ट्रक्चर को तो डेवलप करना ही करना है, उसके साथ एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना है जो रिसोर्सेज को बेथफुली यूज़ कर सकें, इसमें इंक्लूडिंग देयर स्किल्स एंड वी हैव टू सेट अप द इंस्टीट्यूट आल्सो फॉर द सर्वे ऑफ द रिसोर्सेज। न्यू टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होनी चाहिए जिससे कि हम लोगों के रिसोर्सेज को और एप्रोप्रिएट तरीके से यूज़ कर सकें, और उन प्लान्स को मैच कराना चाहिए अपने रिसोर्सेज की
डिमांड के ऊपर, अपने रिसोर्सेज की मौजूदगी के ऊपर, और हमारे देश में जो डेवलपमेंट प्लान है उसके हिसाब से हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज अबाउट फॉर द टूडेज लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मोर डिस्कस अबाउट रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेट द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोज। सो थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग माई YouTube channel.